पूरे जग विच वसते हुए पंजाबी प्यारियो, पिछले दिनों च ना मैं करतारपुर गुरद्वारा साहब विच गया ते उत्थे हरियाणे दा एक मुंडा मैनू मिलिया। उर्दू बोलता सी, उन्हें मेरे को पूछया कि चौधरी जिहड़ा लफज है इहदे की अर्थ ने या मायने की ने या किस तरह बनया है। ते मैं उत्थे वो उर्दू दारे बोलता सी, फिर उर्दू विच ही गल कीती। ते उहदे जवाब विच ना कई लोगों इतराज़ किए दोस्तां कि ये चौधरी है, चौधरी चौ फारसी का लफज है। हालांकि मैं BA तक फारसी पढ़ी हुई है, चौ जिहड़ा लफज नहीं, फारसी च चार नूं चहार आंदे ने। ते जे चहार दरी होवे ते पहली गल ते वे कि जी लोग उस बंदे दलील दित्ती कि जी वो बंदा जिहदे घर दे चार दरवाजे चारे पासे दे खुले होण, कदी किसे घर नूं चवीं पासे दरवाजे नहीं लगे। एडी खुल मुहाड़ वाला घर मैं पंजाब च कदी नहीं वेख्या। हाँ जी, ते इस वास्ते ये जिहड़ी गल है ना कि चौधरी या चहार दरी, ये गल समझ च नहीं आउंदी, क्योंकि चार दरवाजे किसी घर के कभी होए नहीं, किसी के डेरे के भी नहीं होए। दायरे नूं कहा जा सकता है, ते दायरे विच बहन वाली ते परे हुंदी है, उत्थे कोई कल्ला बंदा नहीं बहिंदा या जिदे बारे च ये जिहड़ी सिफते बयान कीती जाए। दूजा है कि लफज ए खालस पंजाबी है, चौधरी, ते ये बिगड़ के बनया चौथ हरी तो। चौथ चौथा हिस्सा, 1/4 जिन्हों आखते ने अंग्रेजी च, ते किसी भी शायद का जिहड़ा चौथा हिस्सा उन्हों चौथ आखते ने, जिमें अध ते मतलब पौना ते चौथा, चौथा हिस्सा जिहड़ा ना जी उहदे तो चौथ बनया। ते हरी मैना मालक हुंदा साडे पंजाबी च, पुराने जमाने च रब नूं भी हरी आखते ने, जिस तरह वो हिंदू आंदे सन हरे रामा हरे कृष्णा, और हरी मैना मालक हुंदा पंजाबी च। ते नाम ही हुंदा सी, जात भी जटा दी एक है हरी। ते वो मतलब ये है कि चौथ हरी का मतलब है चौथे हिस्से का मालक, यानी ये जदों मुगल दौर दे विच या इदू पहला भी इत्थे हिंदुस्तान दे विच जिहड़ा रवाज सी ना लोगों को पैसे ग्रहण का टैक्स इकट्ठा करन दा, वो दाणियां दी शक्ल विच सी, यानी बाकायदा पैसों दे बहुत ज़्यादा बाल्टर सिस्टम ही चलता सी। मेहनत मजदूरी जिहड़ी है, जिन्हें गैर जरायत वाले लोग सन जिहड़े मतलब कोई जुतियां सीण वाला सी, कोई जलाया सी मतलब है कि कपड़े उणन वाला, या कोई धोबी सी नाई सी, ये सारे ना दाणियां दी शक्ल च साल बाद जिहड़ा ना अपनी मजदूरी लेंदे हुंदे सन। इस तरह ही सरकार भी जिहड़ी सी वो भी जिहड़ी है ना वो दाणियां दी शक्ल च जिहड़ा टैक्स लै लैंदी सी, और वो टैक्स जिहड़े अग्राण वाले लोग सन ना जी उन्हां चौथ हरी मुकर्र किया हुंदा सी। हर पिंडां दा साइज़ वेख के वड्डे छोटे दूँ चौं पिंडां दे विच एक जिहड़ा चौथ हरी ला देना, उन्हें अगों अपने भी कोई चेले छेले रखे होने जिहड़े जा के ना ते ध्यान रखते सन, सूह रखते सन भी किहड़े जट ने बोल मिलना और किहदा बोल बैठा है। तो वो जदों बोल बैठ जा बह जाना तो उहदे तो बाद फिर उन्हें बंदियां ने आना तो उन्हें वो साह जी लै के ना तो उत्ते सुट के तो उन्होंने आते हैं ठप्पियाँ ला देनियाँ। ठप्पी दे मतलब ये सी कि उस बोल बैठे चो अगर कोई दाने थोड़े जे भी पड़ोपी भी कढ देना तो वो जिहड़ी ठप्पी हिल जाती सी, तो पता लग जाता सी कि इस बंदे ने कोई ये गड़बड़ की है। वो ठप्पियाँ ला जाते सन, बाद चौथरी आउंदा सी और उहदी मौजूदगी दे विच उह जिहड़ा बोल मिणिया जाता सी, जिहड़ा सारा बोल हुंदा सी उहदे चों चौथा हिस्सा जिहड़ा सरकार वास्ते वक्खरा कर दित्ता जांदा सी, और वो चौथ हरी जिहड़ा वो जिहड़ा दाणे अपने कंट्रोल च लै के उहनां नूं कोई सरकारे घल दिंदा सी, कुछ आप लै लैंदा सी, या जो भी जिस तरह भी वो वंड वितर करदा सी। तो ये सरकार वल्लों मुकर्र कीते गए बंदे सन जिन्हां नूं चौथ हरी आख्या जांदा सी। तो दूजी सेंस वेख्या जाए तो चौथ हरी जिहड़ा ये गरीबां दे नाल अन्याय ते द्रोह करन वाले लोग सन। ये कोई मतलब यह है कि गरीबां दी पालना करन वाले या माड़िया लोगों दी कंध थापण वाले लोग नहीं सन, बल्कि दूजे लफ्ज़ां च इन्हां नूं सरकार दे टाउट भी किया जा सकता है। ते अगर ते इन्हां लफ्ज़ां विच लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता तो फिर तो ठीक ही मायने होणगे, लेकिन मैं समझना कि इत्थे इज्जतदार बंदियां वास्ते जिहड़ा लफ्ज़ सी वो राट सी, और जिहड़े असूलों के उत्ते खरीदे नहीं सन जा सकते, और सच्ची गल तो अलावा जिहड़े दुनिया च नहीं सन करदे और कदी भी
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਮਝੌਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਲਾਸਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਠ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਫਲਾਣਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਰਾਠ ਹੈ, ਤੋ ਰਾਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ, ਇਨਵਿਨਸੀਬਲ ਪਰਸਨ ਜਿਹਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਰਾਠ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਠ ਖਲੋਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਜਨਾਬ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਅਤੇ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਂ ਖਰਲ ਸ਼ਹੀਦ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਜਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਖੋਹ ਲਈ 1849 'ਚ, ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਖੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਆਚ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਹਿਣੇ ਲੱਭਣਾ ਹੁਣ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦੂਰ ਰਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਚਦੇ ਲਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਿਫਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਆਚਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੱਜਣੋ, ਅਗਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ।